आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। और अब सभी जगह एग्जामिनेशन, सारे स्टेट ने, असम और सारे स्टेट ने लगभग एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है और 10 और 12 अब आप लोग पास आउट हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 12 के बाद आखिर क्या करें, ऐसा कौन सा कोर्स करें जिससे हमारा जल्द से जल्द करियर बेहतर हो सके। सो मेरे बच्चों, सबसे पहले करियर चुनाव करने से पहले आपको यह देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस एरिया में या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, जिस क्षेत्र में जहां आप बेहतर करना चाहते हैं, जहां आपको करने में बोझ नहीं लगता हो, उस करियर को चुनना चाहिए। करियर 12 के बाद बहुत से ऑप्शन हैं जहां आप अपना फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, मगर शर्त यह है कि हमेशा करियर चुनने के वक्त किसी भी पेरेंट्स, किसी के दोस्त, किसी का देखा देखी करके काम नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर बाद में, यकीन मानिए, मैं एकदम दावे के साथ कहते हैं कि अगर आप उसको मन नहीं लगा तो आप फिर उस अपने करियर को बर्बाद कर देंगे और आप बहुत पछताएंगे। मैं अभी 12 के बाद क्या करें, एक थोड़े से गाइडलाइन करें कि अगर आप कर क्या सकते हैं। कोर्सेज दो तरह का होता है, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स होता है, पहला कोर्स होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या क्या आता है, जैसे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर आप बीसीए ले सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फिर ट्रैवल इन वाला कोर्स कर सकते हैं, फिर आप बहुत सा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल के रूप में, जहां 12 करने के बाद आपको आगे भी फिर डिग्री ले सकते हैं। और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो 12 करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब लग जाता है, आप पैसे कमाने लगते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है करियर चुनने के साथ साथ हमें पैसे की भी ज़रूरत है। पैसे किस तरह से कमाएंगे ये भी हमारे लिए। फिर अगर आप चाहें तो आप डिफेंस में जा सकते हैं, एनडीए के एग्ज़ाम होते हैं, यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है। एनडीए में क्वालिफिकेशन होने के लिए आपको 12 पास आउट होना ज़रूरी है, तो एक यहां आप डिफेंस में भी जा सकते हैं। दूसरा अगर आप कहें तो इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप जी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप नीट के एग्ज़ाम सकते हैं, नीट यानी मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे 12 के बाद। आप चाहे तो डॉक्टर की बनने की इच्छा हो तो आप नीट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अच्छे गाइडलाइन के साथ, और इंजीनियरिंग का तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर्ट्स का भी बहुत बोलबाला है, आप अगर बीए कर लेते हैं 12 के बाद, अगर बीए कर लेते हैं या बीएससी या बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में आप सिविल सर्विस की ओर भी जा सकते हैं, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आप चाहे तो स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी अगर वो आपकी इच्छा पर, मैंने शुरू में ही कहा, करियर बनाने वक्त सबसे पहले या करियर चुनने वक्त 12 के बाद सबसे पहला निर्णय जो होगा वो आप अपने दिल और दिमाग का सुने, किसी ना मम्मी पापा के प्रेशर पे, ना किसी दोस्तों के पर देखा देखी पे कभी ना काम करें, काहे कि वो काम आपको एक निश्चित समय के बाद वो आपको बोझ लगेगा। सो छात्र, ये हम सबसे बड़े ये देखेंगे कि 12 के बाद जो हम कैरियर का डिटरमाइन करें तो वो अपनी मन से, अपनी इच्छा से जो मुझे लगता है वही काम करेंगे, अन्यथा दूसरे का देखा देखी काम नहीं करेंगे। और बाकी हम अगले जो वीडियो में हम लोग फिर आएंगे कि 12 के बाद जैसे अगर आप बीबीए लेंगे, बीसीए लेंगे, इस सब का क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारा डिटेल अगर आप चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का जो आएगा वो सिविल सर्विस प्रिपरेशन के बारे में पूरा डिटेल आएगा, कैसे आप डीएमएसपी बनेंगे और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरे करियर काउंसलर के रूप में आपको मैं गाइड यहाँ से करता रहूँगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। साथ ही एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि यह चैनल आपको सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन, हमारे बहुत से टीम लगे होते हैं जो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के आप तक पहुँचाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि क्लास 8 से लेकर 12 तक की पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग भी आपको करता है, बहुत बड़ी बात है, इसलिए इसको आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।